इटावा के बहेड़ा में आज वृंदा हर्बल पार्क के संस्थापक और प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह सेंगर के द्वारा योग दिवस के मौके पर वृंदा हर्बल पार्क में योगा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें गाँव से लोग योगा करने के लिए वृंदा हर्बल पार्क पहुँचे। ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विजय प्रताप सिंह सेंगर के द्वारा सम्मानित किया गया। वहां पर मौजूदा न्यूज कवरेज करने आए पत्रकारों को भी विजय प्रताप सिंह सेंगर के द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विजय प्रताप सिंह सेंगर 21 जून यानी कि आज योग दिवस को यादगार बनाने के रूप में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर से लोग योगा करने के लिए पहुंचे। आज 21 जून है और आज पूरा ही विश्व योग दिवस के रूप में इसको मना रहा है। हम इस वक्त इटावा जनपद के वृंदा हर्बल पार्क में मौजूद हैं, जिसके संस्थापक विजय प्रताप सिंह सेंगर और प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया ही विश्व योग दिवस को एक त्योहार के रूप में मना रही है, आप कैसा गर्व महसूस करते हैं भारत के लिए, क्योंकि भारत से इसकी शुरुआत हुई थी? 21 जून एक ऐसा पर्व हो गया है कि पूरी दुनिया इसको मनाती है और योग दिवस के रूप में सभी लाभ उठाते हैं। आज वृंदा हर्बल पार्क में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दिग्गज आए थे, जिन्होंने योग दिवस को लेकर लोगों को जागरूक किया है। आप क्या संदेश देना चाहिए योग दिवस के मौके पर? योग से हमें शांति मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और योग सभी को जोड़ता है और योग भगवान से भी मिलाता है, तो हम सभी को योग जरूर करना चाहिए जिससे कि हम निरोग रहें। ये थे हमारे साथ प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह सेंगर, जिन्होंने योग दिवस को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें की। उनके द्वारा बताया गया कि हम सबको योग जरूर करना चाहिए। 21 जून 2014 में योग दिवस की शुरुआत हुई थी और योग दिवस 2015 में पूरी ही दुनिया योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने लगी। कैमरामैन सुमन तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा बहेड़ा।